इस प्रकार से डेकोरेशन हो गई है पूरे गोवर्धन चौराहे पर। और इधर देखिए एलईडी स्क्रीन और अगर प्रोग्राम होंगे उसके लिए पांडाल लगाई गई है। तो देखिए यहीं पे लोग सो गए हैं। तो कैसे आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रिजवासी, मैं हूं आपके साथ सूरज। साथियों जैसा कि हमने आपको दिन में वीडियो दिखाई थी कि मथुरा नगरी भैया कैसी सज चुकी है, और हमने आपको बोला था कि हम भैया आपको रात का नज़ारा भी दिखाएंगे क्योंकि रात में पूरी लाइटिंग हो जाएगी और बहुत अच्छा नज़ारा बनने वाला है। तो अभी हम खड़े हुए हैं गोवर्धन चौराहे पे, रात के बजे हुए 10। कल की जन्माष्टमी जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कल 7 तारीख आज 6 है। तो पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ डेकोरेशन हो गई है पूरे गोवर्धन चौराहे पर। और इधर देखिए एलईडी स्क्रीन और अगर प्रोग्राम होंगे उसके लिए पांडाल लगाई गई है। इधर बनाया गया है सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा और जिला प्रशासन मथुरा द्वारा बहुत अच्छा कार्य कराया गया है। तो साथियों इस वाली वीडियो हम यही दिखाएंगे कि रात में मथुरा हमारा कैसे लगता है, कृष्ण नगरी सज चुकी है। तो आप भी भैया मथुरा आइए, पधारिए, दर्शन कीजिए। तो हम यहाँ से होली गेट चौराहे, भूतेश्वर चौराहे और मथुरा के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। जय जय श्री राधे। तो साथियों भी हम आ चुके हैं भूतेश्वर चौराहे पे और मेरे पीछे भैया आप देखिए भूतेश्वर चौराहा कितना सुंदर सज रहा है यार। आप नॉर्मल दिनों में देखते होंगे इसे, तो आप भैया मथुरा वृंदावन आ रहे हो तो इस चौराहे को देख लो कितना सुंदर सज रहा है। कृष्ण नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है मथुरा में आने वाले भक्तों के लिए। और भैया देखिए आधा सा मथुरा इस समय रोडों पर आ चुका है, मथुरा और यहाँ के जितने भी यात्री आए हुए हैं। बहुत सुंदर सज रहा है, यहाँ के कुछ आप शॉट्स देखिए हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चौराहे पर लेके चलेंगे। तो भैया मथुरा नगरी पूरी तरह से यात्रियों के लिए तैयार हो चुकी है। जय श्री राधे। तो साथियों सामने आपके भूतेश्वर चौराहा है, हम यहाँ पे घूम के एक शॉट लेते हैं आपको दिखाते हैं कितना सुंदर आता है। चलो भैया, तो अभी हम यहाँ पे घूम के पूरा शॉट लेने वाले हैं। और देखिए भैया पूरी सज चुकी है कृष्ण नगरी, ये देखो। चलो चलो क्या आ रहा है भाई साहब, आनंद ही आ गया। ऐसा लग रहा है भैया मथुरा की पूरी पब्लिक है रात में ही आएगा ये, क्योंकि लगभग 12 बजे का समय हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कितने बज रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं है, कल तक का वेट कीजिए आप। देखिए कितना सुंदर शॉट आया है। अभी हम जा रहे हैं जन्मभूमि की तरफ दिग्गेट चौराहे पे, क्योंकि वो बहुत अच्छा सजा हुआ है। और रात में भैया माहौल देखो मथुरा का, कल की है जन्माष्टमी और पूरा सज चुका है। और अब ये अपना भैया यही माहौल रहने वाला है मथुरा में। ये देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है, ये देख लो। जय हो भैया। और कल तुम आओगे ना तो इस रोड पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना बता रहा हूँ, पूरा रोड इतना फुल भर के चलेगा। हैं जी भैया, कल पाम कर भी जगह ना मिलेगी ना। अभी अभी से देख लो लोग यहीं पे सोने लग गए रोडों पे, मतलब अभी से देख लो माहौल बनने लग गए वो वाला। और भंडारे भंडारे कल इतने होंगे, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। देखो नगर निगम वाले सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, और आनंद अलग है इस समय ब्रज में। अरे यहाँ पे कितने लोग सो रहे हैं यार, भैया देखिए ना, देखना यहाँ पे कितने लोग सो रहे हैं, कल क्या हाल होने वाला है यहाँ पे, अभी से देख लो। पर एक बात है, आनंद कछुआ लगा ही है रात के यहाँ पे घूमने के टहले पे, और वो आनंद सिर्फ ब्रजवासी रह सके, ब्रज के आनंद में मजा आ रहा है। और इधर से हम थोड़ा सा आपको जन्मभूमि भी दिखा देते हैं। तो भैया अभी हम जा रहे हैं जन्मभूमि के अंदर और यहाँ का आपको माहौल दिखाते हैं। यहाँ पे किसी की भी बाइक नहीं आ रही है, बाइक अलाउड नहीं है। और रात्रि के 12:30 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग जो है सो रहे हैं। ओ भैया ये देख लो यहाँ पे कितने यात्री हैं, यहाँ तो निकल भी ना पाएंगे, घूम के आओ। कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं देखिए कितनी कितनी दूर से आए हैं, और किसी पे भैया पैसा होता है किसी पे नहीं होता। तो देखिए यहीं पे लोग सो गए हैं, और देख लीजिए भैया कैसा जो है नज़ारा बन रहा है। जन्मभूमि के सामने ही है हम, और आप देख लो यहाँ पे देखो चटाई बिछा के लोग और ये सो रहे हैं, बड़े बूढ़े जवान जवान सब तरह के। जय हो भैया, जय हो। तो अभी हम आ चुके हैं डिग गेट चौराहे पर, और यहाँ पे भैया आप डेकोरेशन देख सकते हैं कितनी शानदार हो रही है यार। डिग गेट चौराहे देख लो कितना शानदार सज रहा है रात में, इससे शानदार चौराहे कोई भी नहीं सज रहा होगा आज, कितना जबरदस्त लग रहा है देख लो। चलो चलो ये डिग गेट चौराहे देख लो भैया, मथुरा में आप आ रहे हो तो कल की जन्माष्टमी है और आज डेकोरेशन कितनी शानदार हो रही है। इस चौराहे का तो जवाब ही नहीं है, हर साल ही ऐसा ही सजता है, और कितना आनंद आ रहा है यार देखने में। देख लो कितना सुंदर सज रहा है डिग गेट चौराहा, हमने दिन वाले ब्लॉग में भी दिखाया था और रात को भी हम दिखा रहे हैं।
देख लो भैया कितना शानदार सजा हुआ है, कैसा लग रहा है भैया डिग्गर चौराहा? एक नंबर भाई, आनंद आ रहा है बिल्कुल यार। हम ना स्पेशली इस टाइम वीडियो दिखाने के लिए इसलिए आए थे आपको, क्योंकि भैया जा टाइम ज्यादातर लोग चले जाते हैं और बढ़िया व्यू आता है, तो आप देख पा रहे होंगे डिग्गर चौराहा कितना शानदार सज रहा है इस समय। जय हो भैया, जय जय श्री राधे। अभी हम आगे चलते हैं, रूम पे जाएंगे, हमारे ड्रोन की बैटरी खत्म हो चुकी है ड्रोन शॉट लेने के लिए, तो उसके बाद दोबारा आएंगे तो और चौराहे भी दिखाएंगे आपको। चलिए तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। साथियों आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जो भंडारे होंगे उनकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है, पूरे मथुरा में जगह जगह पंडाल लग गए हैं। और सामने हम आ चुके हैं होली गेट पर, होली गेट आपको दिखाते हैं। हमारे लेट आने का रीज़न यही था ताकि सब अच्छे से दिखा पाएँ। और भैया हम अपनी राइडर से आ चुके हैं एक स्कूटी पर, देख लो राइडर हमने बेच दी है भैया को, स्कूटी ले ली है हमसे। तो ये है भैया होली गेट चौराहा, और बहुत शानदार सजा हुआ है आज देख सकते हैं आप। और हम ऐसे समय पे आए हैं, यहाँ भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। ये वाली लाइट तो बंद हो गई यार, ये देखो कैसा सजा हुआ है होली गेट चौराहा, बहुत ही शानदार। और अभी हम जा रहे हैं रूम पर, भैया हमारे रूम से भी होली गेट पूरा दिख रहा है यहाँ से, देखिए क्या शानदार जगह है। सुबह तो और ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। वैसे आपको बता दें ये रूम हमने लेने के लिए, हमारे जो मित्र आए हैं उनके लिए दिलाया है यहाँ पर, रात में यहीं आराम करने आ गए, एक दो घंटे एक डेढ़ बजा हुआ है रात का।